5EMA स्ट्रैटेजी किस तरीके से आउटकम निकाल के दे रही है, अगर आप उसको ब्लाइंडली यानी कि बिना किसी कॉन्फर्मेशन के अगर ट्रेड करते तो एवरीडे का डेटा जो है इस शीट के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये उसका डैशबोर्ड है और इस डैशबोर्ड के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि आज की एंट्रीज 5EMA की किस तरीके की थी और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रख के आप 5EMA स्ट्रैटेजी के जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस चार्ट पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट जो है साइडवेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम ऊपर के रेंज की बात करें तो ये वाला है, ठीक है, और नीचे के रेंज की बात करें तो ये वाला है हमारा, जिसके अंदर मार्केट अभी जो है फंसा हुआ है। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो हम देखेंगे कि किस तरह की एंट्रीज जो है हम प्लान कर सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं यहां पे कि 5EMA स्ट्रेटजी अगर आपको जब भी यूज करना है तो सबसे पहले चार्ट को आप ब्लैंक करके देखो। ऐसा नहीं है कि आप आते ही 5EMA लगाओ और ट्रेड करना चालू कर दो, नहीं, आपको चार्ट को ब्लैंक करके देखना है कि ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। चार्ट भी आपको कुछ कहता है अगर आप उसको ब्लैंक यूज करते हैं बिना किसी इंडिकेटर के, और जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है उसके बाद जो है आप इस चीज पे 5EMA स्ट्रेटजी का यूज करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको यहां पे इंपॉर्टेंट बता दूं, जो लोग सिर्फ प्राइस एक्शन को लेकर के ट्रेड करते हैं वो कैसे आज के दिन में ट्रैप होते हैं मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखो मार्केट जब यहां पे था, ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट पे मार्केट यहां से गिरा तो लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को खींच के ड्रैग करके आगे तक ले जाएंगे, और ये दूसरा वाला पॉइंट देखो यहां से फिर गिरा तो ये भी दो बार यहीं से रिजेक्शन, तो मार्केट में लोग क्या करेंगे इस तरह का एक रेजिस्टेंस बना के रखेंगे और ये बोलेंगे कि रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यानी यहां पे बाजार जो है, मैं इस चीज को रीसेट कर देता हूं पहले, यस, तो ये जो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है यहां पे मार्केट दोबारा से अगर आता है और इसको ब्रेक करता है सक्सेसफुली एक अच्छे कैंडल से तो हम उसको ब्रेकआउट मानेंगे। और अगर आप यहां पे देखोगे तो मार्केट यहां से नीचे गिरा, सेकेंड टाइम नीचे गिरा और थर्ड टाइम आने के बाद इसको ब्रेक भी किया। अब यहां ब्रेक होने पे अगर जो लोग तुरंत एंट्री कर जाते हैं बायर्स यहां पे ट्रैप हो जाएंगे, क्यों, उनको लगेगा एक बुलिश कैंडल ने, माराबुजू जैसी कैंडल है और माराबुजू जैसी कैंडल ने इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला है तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा, यहां पे बायर्स ट्रैप हुए, मार्केट दोबारा से रिवर्स होके अपने ही जोन में आ जाती है। अब कई लोग यहां पे अपना जस्टिफिकेशन देंगे कि नहीं सर, यहां पे बाजार में पुलबैक के एंट्री लेनी थी, यानी कि मार्केट यहां से ऊपर जाता फिर नीचे आके पुलबैक लेता, यानी यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं क्या कहना चाहते हैं लोग। देखो वो बोलते कि सर यहां पे ऊपर जाने के बाद जब पुलबैक लेता और यहां कहीं बुलिश सिग्नल मिलता तो मैं बाइंग साइड पे जाता, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पिछला वाला जो रेजिस्टेंस अभी बना है, ये वाला रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। यहां पे भी आप ट्रैप हो सकते हैं कि मार्केट यहां पे आपको एक बुलिश कैंडल दिखाएगा लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो डाउन ट्रेंड में ही है ना, ये वाला शॉर्ट वाला, तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश कैंडल दिखा के ऐसा कर सकता है कि वो जरा सा ऊपर जाए और यहीं से रिवर्स होके फिर नीचे की तरफ अपने जोन में आ जाए, ठीक है। यानी कि ब्लाइंडली प्राइस सेक्शन को ट्रेड करने वाले ऑलवेज फंसते हैं। तो आप प्राइस सेक्शन के बेसिस पे खाली चाहेंगे कि मैं ट्रेड करके पैसा बना लूंगा वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग से, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे ही बायर यहां पे एंटर कर रहा है और यहां पे इतनी बड़ी कैंडल बन गई, इसने लो नहीं ब्रेक किया लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इसी कैंडल के अंदर, ये जो कैंडल है, अगर आप इस कैंडल का लो भी रखते हैं ना स्टॉप लॉस, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, तो भी चांसेस बहुत हाई हैं कि आपका इस तरह का कैंडल अगर बन जाता है तो बिना लो ब्रेक किए भी आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट करके चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके बेसिस पे आप इस चीज को, यानी कि इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है प्राइस एक्शन में, इससे बच सकते हैं। आंसर है यस, है, और इसी चीज को मैंने कंबाइंड किया है 5EMA स्ट्रेटजी के साथ में। 5EMA तो आपका बेस की तरह काम करता है, लेकिन जो 12 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ संडे के सेशन में शेयर करता हूं वो पॉइंट्स आपको हेल्प करता है कि राइट प्लेस पे राइट एंट्री प्लान करने से आपका जो इस तरह का सिचुएशन है उससे आप बच पाते हैं। तो संडे सेशन का पार्ट बनिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रजिस्टर करके आप संडे को और मंडे को लाइव मेरे साथ इस चीज को सीख सकते हैं कि 5EMA स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली कैसे यूज करें और उसके बाद किस तरीके से इस तरह का आउटकम जो शीट पे आपको नजर आ रहा है
ये निकाल के लेके आए। यहाँ पे विन रेट कम है क्योंकि आप ब्लाइंडली ट्रेड को मैंने यहाँ कंसीडर किया है बिना किसी कंफर्मेशन के। आप इस प्रॉफिट को अगर सस्टेन करना चाहते हैं, यानी कि इसको चाहते हैं कि ये मेंटेन रहे, तो ऐसे में आपको विन रेट को कम से कम 45% पे लेके जाना पड़ेगा। 45% का विन रेट अगर आपका निकल जाता है तो ये स्ट्रैटजी आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। अब यहाँ पे इतना डिस्कशन करने के बाद लगाते हैं 5 EMA में और देखते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे एंट्रीज यहाँ पे मिले। सबसे पहले हम दिन की शुरुआत देखते हैं कौन से कैंडल पे हुई। तो ये वाली कैंडल है, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। दिस शुड बी इन ब्लू कलर, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द डे, ये वाला कैंडल। उसके बाद यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनती है क्योंकि यहाँ लो ब्रेक नहीं हुआ। फर्स्ट एंट्री हमारी ये है जहाँ पे लो ब्रेक हुआ और ये स्टॉप लॉस ले जाता है। अगर हम बात करें कि कितने पॉइंट्स इसने दिए टारगेट के, ये कितना आरआर रेशियो इसने निकाल के दिया, तो अगर आप देखोगे और इसको हम टॉप टू बॉटम पकड़ते हैं तो ये 1:2 का टारगेट देने के बाद वापस घूम जाता है। लेकिन मिनिमम टारगेट हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं, 1:3, तो इसीलिए मैंने इसको स्टॉप लॉस कंसीडर किया है। अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे सर ट्रेलिंग भी तो कंसीडर कर सकते थे, ट्रेल भी तो करेंगे, तो आप इसको स्टॉप लॉस क्यों मान रहे हैं? ट्रेल करेंगे लेकिन ट्रेलिंग का एक अलग रूल है। यहाँ पे मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि आपने या तो स्टॉप लॉस लिया या फिर आपने टारगेट लिया 1:3 का। इस केस में वर्स्ट सिनेरियो आपके लिए क्या हो सकता है उसी का आउटकम दिखाने की कोशिश मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे किया है। मल्टी कॉन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेल कैसे करते हैं, एवरीथिंग इज शेयर्ड इन द संडे सेशन, जिसमें 12 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो ये तो हमारा SL चला गया। सेकेंड एंट्री की बात करें तो हमें यहाँ कहीं नहीं मिलता, मार्केट साइडवेज हो जाता है। और उसके बाद देखेंगे तो सेकेंड एंट्री यहाँ पे होती है, ये एंट्री अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस जाता है। यहां पे भी रूल है कि कौन से केस में आपको एंट्री लेनी है और एंट्री लेने के बाद क्या देखना है जिसके बेसिस पे आप अपनी पोजीशन को इस स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही काट सकते हैं। ठीक है, ये भी रूल का पार्ट है जो 12 रूल्स में शेयर करता हूं ना आप लोगों के साथ में। उसी में से एक रूल ये भी है कि कौन से सिचुएशन में आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तब भी मार्केट से बाहर निकल जाना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे 2 stop losses, थर्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली ही नहीं क्योंकि मार्केट ऑल टुगेदर साइडवेज था। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देके ऊपर जाता है, उसके बाद साइडवेज हो जाता है। प्राइस सेक्शन के बेस पे ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपको ट्रैप करेगा। आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और ये ड्रॉ करने के बाद आपको ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट तुरंत से अपने अंदर बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए। ठीक है, अब कल की डेट में क्या है, अगर सिर्फ सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखोगे तो आप बोलोगे सर एक तो ये है ऊपर का जोन रेजिस्टेंस और एक नीचे का क्या है हमारा ये वाला पार्ट है रेजिस्टेंस। अब इस जोन के अंदर है, दोबारा ऊपर निकलेगा और पुल बैक लेगा तो शायद जाके हम ट्रेड करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं पुल बैक में भी ये गारंटी नहीं है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए। तो अंडरस्टैंड द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड अंडरस्टैंड द गेम ऑफ मैथ्स, ये पूरा स्टॉक मार्केट मैथ्स पे बेस्ड है। इसको आप ये अजम्पशन करके डायरेक्शन बता के आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैथ्स को समझो, मार्केट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एज ऑलवेज, क्योंकि लर्निंग ही आपको एक अच्छा एंड सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। थैंक यू सो मच।